बंगाली अभिनेता प्रभास की फिल्म साहू का फैंस को काफी लंबे समय से इंतजार था, जो कि आज ही इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ, बाहुबली अभिनेता प्रभास की फिल्म साहू आज रिलीज हो गई है। वह आपको बता दें, इस फिल्म में प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर भी अहम भूमिका में है। आज रिलीज के कुछ ही घंटों बाद ये फिल्म ऑनलाइन लीक भी हो गई है। वह आपको बता दें, फिल्म को दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक सभी से मिले जुले रिव्यूज मिले हैं। ऐसे में फिल्म का ऑनलाइन लीक हो जाना फिल्म के कलेक्शन को प्रभावित करता है। फिल्म को पायरेटेड डाउनलोड के लिए कई वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया है। साहू को सबसे बेस्ट बनाने के लिए मेकर्स ने पैसा पानी की तरह बहाया है। 8 मिनट लंबे एक्शन सीन सीक्वेंस के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसे में फिल्म का लीक हो जाना मेकर्स के लिए नुकसान भरा साबित हो सकता है। हालांकि यह फिल्म पहली नहीं है जो पायरेसी का शिकार हुई है। हाल ही में कंगना रनौत और राजकुमार राव की जजमेंटल है क्या भी साइट पर HD प्रिंट के साथ लीक हुई थी। पहले सिर्फ दक्षिण भारतीय फिल्में ही लीक हुआ करती थी, लेकिन अब इस अवैध साइट ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी नींद उड़ा रखी है। इससे पहले कई बड़े बजट की फिल्में लीक होने की वजह से कमाई पर असर देखने को मिला है। सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बावजूद इस अवैध साइट पर लगाम नहीं लग पाई है। हालांकि इसी साल मोदी सरकार ने फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को मंजूरी दी है। इस बदलाव के बाद अगर कोई भी व्यक्ति सिनेमा घरों में फिल्मों को रिकॉर्ड करता है, पकड़ा गया तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आरोपी को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी फिल्मों का लीक होना रुक नहीं रहा है। साहू तेलुगु के अलावा हिंदी और तमिल में भी रिलीज हुई है। फिल्म में प्रभास और श्रद्धा के अलावा जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश समेत कई बॉलीवुड स्टार्स भी हैं। फिल्म के पहले दिन हिंदी वर्जन में 15 से 20 करोड़ कमाने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि साहू भारत में फर्स्ट डे 70 करोड़ का कारोबार कर सकती है।